वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत, जरा सुनिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है, कैसे देख? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में हम सपा से डबल से भी ज़्यादा जो है बढ़त बना के रखा है, और मुझे लगता है जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जो संकेत आए हैं, वही संकेत यहाँ दिख रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, जो संकेत आए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे लोगों का कॉन्फिडेंस है, उनकी जो जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो स्टेट में जो लीडरशिप है उस पर कॉन्फिडेंस है, और इसलिए हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं दिखाई। नहीं, आप शायद ठीक से आंकड़े नहीं देख पा रही है। उत्तराखंड के आंकड़े देखिए सामने आपके है, बीजेपी 30 पे है और कांग्रेस बहुत पीछे है। हम उत्तराखंड में भी जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हम पंजाब में अपना एक वर्चस्व दिखाएंगे, पहली बार वहाँ इतने पूर्व चाहे गोवा है, हम सरकार पर। उधर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, जरा सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका है, मतगणना शुरू हो गई है, सब लोगों की निगाहें यूपी पर लगी हुई हैं, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, आप इसे कैसे देखती हैं? हम सबको पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीति, उनकी नियत, उनके कार्यों पर उत्तर प्रदेश की जनता अपना मोहर लगाएगी, और आप देख सकते हैं हम काफ़ी बढ़त हासिल किए हुए हैं और हम लोगों ने काम किया है। हमने जो रिपोर्ट कार्ड लोगों के समक्ष रखा उसे लोगों ने सराहा है, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है। और हम लोगों ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए, सब के लिए बहुत काम किया। मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं का कार्यान्वयन ज़मीन पर आदरणीय योगी जी ने किया, उत्तराखंड में धामी जी ने किया, मणिपुर ने वीरेन जी ने किया। तो मुझे लगता है कि जो सरकार होती है राज्य में, उनका काम है जो अच्छे केंद्र सरकार की योजनाएं आई उनका सफल रूपायन करें और लोगों तक लाभ पहुंचा है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार टक्कर चल रहा है, उत्तराखंड में आप कैसे देख रही हैं? देखिए, उत्तराखंड में भी हमने आदरणीय धामी जी के माध्यम से बहुत ही अच्छा विकास का कार्य किया है। आप जानते हैं करीबन सैनिकों के लिए बहुत काम हुआ है, करीबन 1,25,000 सैनिक लाभान्वित हुए, उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं, 1 rank 1 pension हमने किया है। इसके अलावा चार धाम के विषय में कौन नहीं जानता है, चार धाम का की जो उन्नति का जो उन्नति हुआ है इस विषय में सब लोग अवगत हैं। ये पता चल रहा है कि किस दिशा में पानी बह रहा है, और हम चार राज्यों में निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाएंगे। और जहां तक पंजाब की बात है, मैं कहूं कि अभी थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, जहां तक पंजाब की बात है हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे पंजाब में। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से मोदी जादू चला है? हर बार मोदी जी का जादू चलता है और चलता रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।